राजजी डोगरा जी पूर्व राजनयिक हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मेजर जनरल जीडी बख्शी इस वक्त हमारे साथ रक्षा मामलों के विशेषज्ञ जुड़ चुके हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड जेके बंसल साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विंग कमांडर रिटायर्ड सतीश शर्मा जी भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत करते हुए सबसे पहले जीडी बख्शी शुरुआत आपसे ही करते हुए, हालात लगातार भयावह होते हुए चले जा रहे हैं, सबके बीच राष्ट्रपति का सामने आके जेलेंस्की का ये दावा करना कि कीव और उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं वो अभी भी हमारे कब्जे में हैं, उनके इस बयान को किस तरह से आप देख रहे हैं और यहां से आगे की तस्वीर किस तरह से नजर आ रही है? जीडी बख्शी जी, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि रूस का असमंजस इस वक्त यह है कि वो जो है वो उनका तरीका फाइटिंग इन बिल्टअप एरिया का है कि वो भारी बम्बार्डमेंट करते हैं तोपखाने से, हवाई जहाजों से, जैसे कि उन्होंने चेचेनिया में करी थी भारी बमबारी, और ताकि सप्रेशन हो जाए एंटी एयरक्राफ्ट शोल्डर फायर्ड मिसाइल्स की, सप्रेशन हो जाए जैवलिन जैसे एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की, उसके बाद उनके टैंक सीधा डैश मारते हैं सिटी सेंटर और वहां से रेडिएट करते हैं आउटवर्ड। रूस की प्रॉब्लम इस वक्त यह है कि अगर वो भारी तोपखाने से फायर कराता है, मल्टी बैरल ग्रेनेड रॉकेट लॉन्चर से कराता है, तो भारी कोलैटरल डैमेज होगा, सिविलियन कैजुअल्टीज होगी, जो वो दुनिया को नहीं दिखाना चाहता कि वो बड़ी क्रूरता दर्शा, वो दिखाना तो नहीं चाहता, लेकिन जिस तरह की भयावह तस्वीरें सामने आ रही है वो वहां के मंजर को बयां करने के लिए काफी है। राजीव डोगरा जी, सीधे आपके पास आते हुए, सबसे पहले राष्ट्रपति जेलेंस्की की ओर से जो ताजा बयान सामने आया है उस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। वो मनोबल बढ़ाने की कोशिश में है क्योंकि उनको भी पता है कि मौजूदा वक्त में यूक्रेन कहां पर खड़ा है और कीव के अलग अलग हिस्सों में बमबारी की जो तस्वीरें सामने आई है उसने सभी को हैरत में डालते हुए ये सवाल पूछा है कि कहीं ऐसा ना हो कि कम वक्त में ही रूस कब्जा कर ले कीव पर। कल और आज में काफ़ी फर्क पड़ा है राष्ट्रपति के बयानों में। बिल्कुल, कल उन्होंने कहा था कि ये मेरी आखिरी इंटरव्यू है और हो सकता है 5 मिनट के बाद मैं मर जाऊं। आज जो है वो एकदम ट्रांसफॉर्म्ड हो गए हैं। तो इस 12-15 घंटे में क्या फर्क क्या पड़ा? क्या उनको कोई स्पेशल मैसेजेस आए हैं नेटो की तरफ से या वेस्टर्न कंट्रीज इन जनरल की तरफ से, या उन्होंने देखा है क्या बैकडोर सपोर्ट दिया जा रहा है उनको? क्योंकि सामने आकर कोई भी खोलकर बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन क्या बैकडोर सपोर्ट मिलने लगा है इसलिए 24 घंटे में उनकी आवाज में बड़ी तब्दीली देखने को मिल रही है? बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं कि बैकडोर सपोर्ट, क्योंकि डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं चाहता कोई अभी रशिया से। बिल्कुल, और ना ही ये नेटो के मेंबर हैं अभी। पर दूसरी बात यह है, उन्होंने शायद इससे भी प्रभावित हुए होंगे कि जिस तरह उनके सिटीजन्स फाइट कर रहे हैं कीव में और हो सकता है दूसरी अलग जगह में भी, तो ये भी सोचा होगा कि अब ये मौका है कि मैं इंस्पायर कर सकता हूँ। एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ कि देखिए, चेचनिया की कई बार बात होती है, अभी जनरल बख्शी ने भी की थी और बिल्कुल ठीक की थी, पर चेचनिया और कीव में बहुत फर्क है। चेचनिया एक बिल्कुल छुपा हुआ इलाका था जहाँ मीडिया नहीं पहुँच सकता था, वहां जितने लोगों को मर्जी मार दे रशिया, कोई दुनिया को ज्यादा पता नहीं लगता था। यहाँ पे विजुअल्स बाय द मिनट बाय द सेकंड पहुंचेंगे दुनिया में। सो रशिया को केयरफुल होना पड़ेगा कि इसका इम्पैक्ट क्या होता है। और दूसरा, रशियन सोल्जर्स की बॉडीज अगर कीव की सड़कों पे हो, जैसे कि अभी भी कहा जाता है, तो रशिया के मनोबल पे बहुत असर। मैं फौरन लौटूंगी आपके पास, विंग कमांडर सतीश शर्मा जी आपके पास भी आऊंगी, लेकिन उसके पहले यूक्रेन से इस वक्त हमारे संवाददाता राजेश पवार जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हुए। राजेश, आसपास की तस्वीरें क्या दिखाई दे रही है वहां पर लोगों को राहत पहुंचाने के लिए, क्योंकि बड़ी तादाद में लोग घर छोड़कर जा रहे थे, ट्रेनों में खचाखच भीड़ देखने को मिल रही है, हालांकि ट्रेन जहां तहां रुकी हुई है, अभी की क्या स्थिति है, आंखों देखा हाल बताइए राजेश। देखिए, ट्रेन्स तो रुक चुकी हैं, कल रात को हम 14 घंटे ट्रेन में बंद रहे हैं, ट्रेन्स रुक चुकी हैं, लेकिन मूवमेंट रोड्स पे जारी है, लोग टैक्सी ले सकते हैं या टैक्सी में दाम कई गुना बढ़ चुका है, लेकिन टैक्सी मिल रही है, सड़क पे मूवमेंट पॉसिबल है अभी भी। और यहाँ जब बम्बार्डमेंट नहीं हो रहा होता है, जब शेल्स नहीं फट रहे होते हैं, तो बिल्कुल शांत वातावरण रहता है, जो बोलते हैं तूफान से पहले की शांति, वो बिल्कुल शांत रहता है। कीव में भी, जो कि इस टाइम सेंटर है पूरी वॉर का, पूरा फोकस, चाहे वो रशियन ट्रुप्स हो, चाहे
यूक्रेन आर्म्ड फोर्सेस हों, सबका फोकस इस वक्त कीव है, क्योंकि अगर कीव गिर गया तो ये लड़ाई वहीं समाप्त हो जाएगी। और पूरा फोकस जो यूक्रेनियन आर्म्ड फोर्सेस का है इस वक्त कीव को डिफेंड करने का है। जो मेरे सूत्रों से पता लगा है कि कीव में कल 1500 के आसपास रूसी सैनिक मारे गए कल रात को 3 से 6 के बीच में। अब ये कितना सच है इसको वेरीफाई करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। जो यूक्रेनियन आर्म्ड फोर्सेस का मीडिया सेंटर है वो रूसी कैजुअल्टीज तो दे रहा है कि रूसी हमने इतने मार डाले हैं, अपनी कैजुअल्टीज वो नहीं बता रहे हैं, वो सिर्फ अपने सिविलियंस की कैजुअल्टी बता रहे हैं, जो कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा करता है कि ये सारी जो इन्फॉर्मेशन आ रही है कोई भी वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन नहीं है। और ये एक तरह से जो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर है उसका हिस्सा है, क्योंकि जब आप बताते हैं कि बच्चे मारे गए और हमारे इतने सिविलियंस मारे गए, इतने रेजिडेंशियल एरिया से बम्बार्डमेंट हो गया, तो वो ये दिखाने के लिए है दुनिया को और यहाँ के लोगों को कि देखिए दूसरा कितना कितना हमारा एनिमी कितना क्रूर है, कितना गंदा है कि वो सिविलियंस को मार रहा है, जो कि पुतिन ने बोला था हम नहीं करेंगे। इसी प्रकार जब वो बताते हैं कि हमने इतने रूसी सैनिक मार दिए, वो कहीं ना कहीं अपने सोल्जर्स का मोरल अपलिफ्ट करने के लिए, अपनी जनता का मोरल अपलिफ्ट करने के लिए और एक मैसेज देने के लिए कि हम लड़ सकते हैं, इसलिए फिगर्स रिलीज की जाती है। मैं आपको एक चीज और बता दूं, बहुत से जो है एनालिस्ट बोल रहे हैं जनता ने हथियार उठा लिए हैं, जनता लड़ने को तैयार है। मैं आपको ये बता दूं, मैं कीव में रह रहा हूं 1 साल से और मैं इन इलाकों में काफी घूमा हूं। यहाँ गन कंट्रोल लॉज बहुत स्ट्रिक्ट हैं, यहाँ आम जनता के पास हथियार नहीं है जिस तरह अमेरिका में है, यहाँ किसी घर में कलिस्टोज नहीं रखी हुई है। ये जब तक गवर्नमेंट इश्यू नहीं करेगी लोगों के पास हथियार नहीं है यहाँ पर। ओवर टू यू। और आम लोगों को अब हथियार दिए जा रहे हैं ताकि वो इस लड़ाई को मजबूती से लड़ सकें। इस तरह की तस्वीरें भी सामने आ रही है, वहां के सांसद भी और उनकी जो तस्वीर सामने आई है उसने भी बहुत सारे सवालों को जन्म दिया है। लोगों को भी हथियार बांटे जा रहे हैं राजेश, और उसके जरिए भी एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की आखिरी वक्त तक यूक्रेन रशिया के सामने डटा रहेगा, वो झुकेगा नहीं। और आपके पीछे से गोलीबारी की जो आवाजें आ रही हैं उसको भी हम सुन सकते हैं। देखिए ये मैं से 8 किलोमीटर दूर फ्रंट लाइन है, यहाँ पर यूक्रेनी सेना और रूसी सेना आमने सामने हैं। हम उन बंकर्स को उन एपीसीज को देख के आए थे 8 दिन पहले और हमने रिपोर्ट किया था आज तक पर इंडिया टुडे पे। वहां कल रात से काफी भारी बमबारी हुई है, दोनों तरफ से बमबारी हुई है, लेकिन सिविलियन एरियाज में कोई बम नहीं गिरे हैं इस शहर में मरियापोल में। लेकिन यहाँ पास में एक शहर है रिवो ब्रिजनिंग, वहां पर कुछ रॉकेट्स ग्रैड रॉकेट्स जो हैं वो सिविलियन एरियाज में गिरे हैं। 1-2 कार में आग लगी है और 1-2 अपार्टमेंट डैमेज हुए हैं।